मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ममता बनर्जी पर अब निशाना साधा है। कहा है उन्होंने रूम में टोपी, रोड पर तिलक लगाने वालों में से है ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला, गोत्र बताना ममता का पॉलिटिकल पाखंड है, ये बात नकवी ने कही। परफॉर्मेंस में जीरो, बंगे पाखंड में हीरो ममता, ये बात नकवी ने कही है। देखो भाई, ये लोग तो वो लोग हैं कि रूम में टोपी, रोड पे तिलक। अब इनका ये जो सेकुलर सिंडिकेट है, इस सेकुलर सिंडिकेट का तो कुछ कह नहीं सकते आप। इनकी तमाम देखिए, असम में कैसा सेकुलर सिंडिकेट चल रहा है, बदरुद्दीन साहब सेकुलर सिंडिकेट का हिस्सा है, वहां मुस्लिम लीग हिस्सा है, यहां पर भी एक साहब हिस्सा बन गए। तो ये जो कुछ टोटल पॉलिटिकल पाखंड है, ये पॉलिटिकल पाखंड पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, जनता के बीच में एक्सपोज हो गया। आज जनता जो है वो विकास देखना चाहती है, आज परफॉर्मेंस देखना चाहती है। आप परफॉर्मेंस में जीरो हैं, आप पंगे में हीरो बनी हुई हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, सरफराज हमारे सही हुई ग्राउंड जीरो से लगातार हम तक असल तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरफराज, जैसा कि आपने बताया कि लोग ममता बनर्जी को काफी पसंद कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है कि गोत्र बताने की जरूरत क्या पड़ी, वो भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन। बिल्कुल, देखिए अनुराग, यही एक प्लानिंग है। चूंकि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी जमीन से उठी हुई नेत्री हैं और उनका जो कद है, उनकी जो हैसियत है, उसको बंगाल के लोग और बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं। वो मुझे लगता है कि उनकी एक चुनावी प्लानिंग थी, चूंकि जो हिंदू वोटर थे उनको रिझाने की यहां कोशिश होगी कि देखो भाई, आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं भी वही हूं जो बार बार वो कहती रही है। तो मुझे लगता है कि ये चुनावी हटगंडा है। और वो, जैसे मैंने कहा कि अनुराग, वो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, वो जानती हैं कि उनको चार कदम आगे जाके दो कदम कैसे। आपको मालूम है कि क्रिकेट में बहुत अच्छा है कि अच्छा शॉट खेलने के लिए दो कदम पीछे हटना पड़ता है, फिर उसके बाद शॉट मारेंगे तो गेंद जो है बाउंड्री के बाहर जाएगी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने कल जो ये कार्ड खेला है वो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के लिए मुश्किल होगा। और देखिए, कल शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर बहुत ज्यादा तनाव था, क्योंकि ममता बनर्जी का मार्जिन बढ़ाने के लिए और कुछ हिंदू वोटर्स को अपने पाले में खींचने के लिए ममता बनर्जी ने चलो गोत्र बता दिया, लेकिन हाथ में आंसुली लेकर के और कलछुल लेकर के पहुंच जाना तुम वोटिंग सेंटर तक, ये जो महिलाओं को हिंसा का पाठ पढ़ा रही है ममता बनर्जी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए शालिनी, आप बंगाल में रह के गई हैं, अनुराग आप भी बंगाल में रह के गए, और जो बंगाल की सियासत को करीब से जानता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के भी हाथ में नहीं है। और जिस तरीके का हम बार बार जी हिंदुस्तान के जरिए हम लगातार बता भी रहे हैं कि यहां के जो हालात है, सोचिए 22 कंपनियों को लगभग यहां पर तैनात किया गया है नंदीग्राम में। आप सोचिए कि पूरे पश्चिम बंगाल में 600 से ज्यादा कंपनी तैनात की गई है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहां के वोटरों में कितनी ज्यादा नाराजगी है, कितना ज्यादा दीवानापन है, कितना ज्यादा गुस्सा है। क्योंकि जो अगले चरण आ रहे हैं उसमें हमारे और आपके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त होने वाला है, क्योंकि वहां एक अलग सिनेरियो होगा। जिन इलाकों में मैं घूमा हूं, जंगल महल के जो इलाके हैं, जिन इलाकों में घूमा हूं, वो बीजेपी के वहां से सांसद हैं, बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है, जो उन्होंने बढ़ाई हैं। लेकिन जो दूसरे फेस से आगे की जो सीटें होंगी वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टीएमसी का गढ़ है। जितनी भीड़ हमने इस इलाकों में देखी, इन इलाकों में देखना बेहद मुश्किल काम होगा। हाँ। क्योंकि ये मुसीबत भरा वक्त बीजेपी के लिए भी होगा, टीएमसी के लिए होगा। जो पहले चरण का जो परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही थी, वो परिवर्तन की बात नंदीग्राम को छोड़ के नहीं जा रही। सरफराज, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ये भी बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पायल सरकार का बड़ा बयान सामने आया, जहां ममता दीदी कविता पाठ कर रही है, बातों में कही बीजेपी को गंभीरता से बीजेपी नहीं लेती है। बंगाल में टीएमसी डर का माहौल बना रही है, ये भी उन्होंने कहा, टीएमसी के गुंडों से बीजेपी नहीं डरती है। आपने देखा होगा ममता दीदी ने अपना गोत्र बताया है, आपको लगता है इसकी जरूरत है? गोत्र, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, ये मेरा गोत्र है? नहीं, वो खुद ही बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, ये सब की पोलराइजेशन के बारे में बोलती है। अब वो खुद ही बोल रही है, मतलब उनको, आई थिंक उनको थोड़ा सोच लेना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहती है। यार, बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को खुद को हिंदू बताने की जरूरत आन पड़ी, इसलिए अब गोत्र बता रही है। पायल को कभी जरूरत पड़ी कि मैं बताऊं कि मैं कौन हूं, क्या हूं? नहीं, मैं इंसान हूं, मैं एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान से मिलना चाहती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, यही बहुत है मेरे लिए।
देखिए राजनीतिक हिंसा की बात लगातार कही जाती रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है, सरफराज भी इसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सरफराज बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि चाहे आप कितना भी डराना धमकाने की कोशिश क्यों ना कर लीजिए, पायल सरकार ने भी यही बात कही, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं होगी, बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ेगी और जीत को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का ये स्टाइल है और बीजेपी का ही काम करने का तरीका है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम भी अनुराग, जब हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव हुए थे तो किस तरीके से बीजेपी ने वहां पर अटैकिंग किया, पूरे देश ने देखा। और ये बीजेपी का स्टाइल है, चूंकि बीजेपी जब कोई भी काम करने लगती है, चूंकि इतनी ज्यादा ब्रांडिंग नंदीग्राम में कर रखी है कि मानो पूरे शहर को पाट दिया हो, लेकिन जब उसके नीचे, जब मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं कि ऊपर किसी पार्टी के झंडे लगे हैं और नीचे वो कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि यहां की हकीकत कुछ। सरफराज आपको रोक रहे हैं, सीधा कोयम्बटूर का हम रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं वहां पर, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हम इस वक्त दिखा रहे हैं, मतलब दक्षिण की कमान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में। और चित्त परिचित अंदाज में ही वो मंदिर पहुंचे जहां पर भगवान के दर पर वो माथा टेक रहे हैं, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है। इसके बाद जाहिर तौर पर वो चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेंगे। दक्षिण में बीजेपी अपने मिशन में जुटी हुई है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे, अमित शाह भी लगातार दौरे कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी दौरे कर रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा बीजेपी की ओर से जो कोयम्बटूर पहुंचा हुआ है, ये तमिलनाडु में रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाइब्रांट नेता है बीजेपी के, जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भीड़ अच्छी खासी आपको नजर आ रही होगी, जहां पर लोग पहुंचे हुए उनके इस रोड शो में। तस्वीरें हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है, पहली तस्वीर जहां उनके रोड शो की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए अच्छी खासी मेहनत की, लोगों में काफी उत्साह इसको लेकर नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जब वो मंदिर पहुंचे हुए थे, भगवान के दर पर उन्होंने माथा टेका और उसके बाद अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। तो ये सीधी तस्वीर है कोयम्बटूर से, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं, उन्होंने किस तरह से मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की वो तस्वीर भी आपके सामने, और रोड शो इस वक्त योगी आदित्यनाथ का जो चल रहा है वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में रोड के दोनों तरफ लोग उमड़े हुए हैं। फिलहाल ये मंदिर की तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि बीजेपी अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ लेना चाह रही है, और तमिलनाडु और केरल में दो दिन के लिए पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे योगी आदित्यनाथ, और अपनी उसी हिंदुत्ववादी छवि के साथ उन्होंने शुरुआत की है। ये तस्वीर उनका वही चिरपरिचित अंदाज दिखाती है, और हर एक तस्वीर हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ कोयम्बटूर जब पहुंचे हुए थे, पहले गणेश मंदिर वो गए, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया, माथा टेका, वो तस्वीर, उसके बाद अब जो वो रोड शो कर रहे हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सीधा हम रुख कर लेते हैं इस वक्त न्यूज रूम का, मेरे सहयोगी प्रीति वहां पर मौजूद है, और प्रीति कोई बड़ी खबर है आपके पास? दर्शकों को बता दें, इशरत जो है एनकाउंटर केस में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इशरत केस में क्राइम ब्रांच के तीन अफसर आरोपों से बरी हुए हैं, सीबीआई कोर्ट से तीनों पुलिस अफसर बरी हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं गिरीश सिंगल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी बरी हुए हैं। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले में अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इशरत जो है एनकाउंटर केस जिसमें सीबीआई कोर्ट का अहम फैसला, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अपने कर्तव्य के तहत काम किया ये बात कही गई है, और इसी के साथ ये तीन नाम गिरीश सिंगल, तरुण बारोट, अंजू चौधरी, इन तीनों को बरी किया गया है। तीनों पुलिस अफसर बरी हुए हैं सीबीआई कोर्ट से, और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे तो देखिए किस तरीके से इशरत जहां लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी होने के इनपुट को नकारा नहीं जा सकता है, और इसी के साथ बड़ी खबर इस पूरे मामले में, क्योंकि किस तरीके से तमाम सवाल भी उठ रहे थे, और ये वो नाम है गिरीश सिंगल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी, जिनको बरी किया गया है सीबीआई कोर्ट से, तीनों को बरी किया गया है। तो और एक बड़ी खबर पर जी हिंदुस्तान की नजर लगातार बनी हुई है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।